नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का लगातार हम लोग प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हैं जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और आज ये फ्रेंड्स बहुत ही सारे स्टूडेंट लोगों के लिए काला दिन है, क्योंकि ये जो है सो कि रेलवे की मनमानी को दिखाता है फ्रेंड्स, कि उन लोगों का मनमानी किस हद तक उतर चुका है कि आज उनका जो है सो कि चोरी पकड़ी गई है और वो लोग जो है सो कि सरेआम बाजार में आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जाम परीक्षा के नाम पर मजाक बंद करो। जेई की सारी सीटें बिक चुकी है, 100% रियल क्वेश्चन हमारी गारंटी। जी हाँ फ्रेंड्स, कल आपको आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है, इसका हम लोगों ने आपको लाइव स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू भी दिया था। तो और हम लोग ये प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, उन स्टूडेंट्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास, जो स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर को आ चुका है, प्रूफ भी हम लोग आपको दिखाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा लैंग्वेज सही है, पूरा ये फ्रंट बिल्कुल सही है। ओके, तो मैं जो है सो कि इस तरह से क्यों मजाक किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद प्रिपेयर होने के बाद एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो ये दिखाता है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एलपी में कुछ स्टूडेंट जो है सो कि ना वो डीवी में अपीयर हुए हैं, ना वो मेडिकल में अपीयर हुए हैं, उसके बावजूद उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, नहीं पैनल में नाम, उसके बाद भी उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। जब आपको इसी तरीके से करना है तो आप वैकेंसी निकालते ही क्यों? आप अपने ही लोगों को फिलअप कर लीजिए। ओपन रिक्रूटमेंट के नाम पर आप बोलते हैं कि आप हर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है कि आप जो है कि इस तरीके सीबीटी 1 में भी टाटा के टीसीएस के किसी भी सेंटर में, आईओएन डिजिटल जोन में सेंटर नहीं दिया था। सीबीटी 1 का हम लोगों ने भी लाइव कवरेज किया था, पहले ही दिन सेंटर पर कहीं कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, बच्चे 3-3 घंटे तक ना ही सेंटर पे जो है सो कि टॉयलेट का अरेंजमेंट है, ना मतलब कि बाथरूम का अरेंजमेंट है, ना पानी का अरेंजमेंट है। इस तरह के घटिया सेंटर्स को आप एग्जामिनेशन सेंटर देते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर ही किसी को बेच दे रहा हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूं कि प्लीज इस वीडियो को कुछ करो चाहे मत करो, चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, वीडियो लाइक करो मत करो, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, इसको ट्रेंडिंग सेक्शन में पहुंचाओ, ट्विटर पर सब लोग ट्वीट करो, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पता मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी से मिला हुआ हो। और आरआरबी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस तरीके की चीजों को लेकर के फ्रेंड, क्योंकि जब उनको एग्जाम कनेक्ट करवाने के लिए ही रखा गया है, उसके बावजूद भी वो सक्सेस पा रहे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर को दिखाता है फ्रेंड। इतने साल साल के बाद वैकेंसी आती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के मर्ज कर दिया गया, उसके बाद भी ये लोग इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी फ्रेंड्स। इसलिए जो है सो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो, चलो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन है फ्रेंड, आप देख लो, यहाँ पे देखो आरआरबी सीबीटी एग्जाम, टाइम रिमेनिंग 1 घंटा, और उसके बाद जो है सो कि यहाँ पे चीज़ें, स्टूडेंट से बात किया, वो बोला कि ये फ्रंट जो है सो कि बिल्कुल सेम, और आप लोगों ने भी सीबीटी 1 एग्जाम दिया होगा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने तो एक स्टूडेंट से कन्फर्म किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जो भी सीबीटी 1 28 तारीख का देकर के आया फर्स्ट शिफ्ट में, आप लोग जरूर बताओ ये क्वेश्चन था कि नहीं। देखा देखो, फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी बोला कि बिल्कुल सेम मैच कर, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखो 15 का 15 क्वेश्चन इस तरीके से स्क्रीनशॉट है कि कैमरा से फोन नहीं, एग्जाम में कैमरा अलाउड होता है, आपको भी पता है कि वहाँ पे सारी की सारी बयान होती है, चाहे आपका एक छोटा सा गला में धागा हो या हाथ में धागा हो, उस ओके, उसके बाद इसको देखो यहाँ पे सारी चीजें दिख रही करने को, ओके तो ये क्वेश्चन हुआ, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग चलता हूँ। हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आरआरबी जेई सीबीटी 1 को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसको लेकर के जो भी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे सबका कहना था कि नहीं रेलवे सही है। तो देखिए आज रेलवे की मनमानी उजागर हुई है और फाइनली हम आपके सामने, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ जो आरआरबी जेई की सीबीटी 1 के एक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि 28 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। हमारे साथ मिस्टर नितिन जुड़ चुके हैं, जिनका की कल एग्जाम का रिव्यू भी हम लोगों ने अपने चैनल पर डाला था, तो हम लोगों ने खुद उनसे, हमारी टीम ने कॉन्टैक्ट किया है, और ये खुद बता रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन है
वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ एग्जाम में मोबाइल भी अलाउड नहीं होता, यहाँ तक कि एग्जाम देने जब स्टूडेंट जाते हैं घड़ी में वो हाथ में चेन पहन रहे थे, चेन खुलवा दिया था, गला में कोई लॉकेट पहन रहा था कोई लॉकेट खुलवा दिया, एक भी चीज अंदर लेकर के नहीं दिया जाने दिया जाता, यहाँ तक कि पेन भी अलाउड नहीं होता, पेपर भी अलाउड नहीं था। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट अंदर से जो है कि पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाहर भेज रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो चलिए मैं कुछ बोलूँ कि नितिन जी बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नितिन जी लोगों ने, इन लोगों का पहले ही दिन एग्जाम था, इन लोगों को कोई मौका भी नहीं मिला कि 28 अगस्त का ये लोग रिव्यू देख करके 29 अगस्त को एग्जाम दें, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तैयारी करी और एग्जाम देने के। तो जानते हैं नितिन जी से, नितिन जी अपना थोड़ा राय दें इसके बारे में, क्या आपका कहना है? जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो वो सारे रियल क्वेश्चन है। 28 तारीख का फर्स्ट सप्ते में मैंने एग्जाम दिया था, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल आए। तो मोबाइल अलाउड ही नहीं था, कैमरा अलाउड ही नहीं था, तो फिर ये क्वेश्चन बाहर कैसे आ गए, वो भी स्क्रीन शॉट है वो तो नेक्स्ट टॉप का, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं हुआ है। अच्छा, ये लैपटॉप मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट है ना कि मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है? हाँ, तो वो स्क्रीन शॉट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो भी हो, स्क्रीन शॉट भी इज इलीगल थिंग एंड मोबाइल इज ऑल्सो इलीगल थिंग। हाँ, वो जब अलाउड ही नहीं था, हम लोग तो सेंटर पे गए, मतलब एक धागा भी अगर है तो उसको भी खुलवा रहे थे वो लोग, अंगूठी था वो भी खुलवा रहे थे। तो फिर कुछ लोगों का खुलवा दो और कुछ लोगों को फिर जाने दो, ऐसे ही फिर तो सब पैसे का खेल चल रहा है। बिल्कुल करना ही है तो फिर सबको मनमानी करने दो, नहीं करना है तो फिर किसी को मनमानी मत करने दो। नहीं, फिर तो वैकेंसी डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए ना, फिर तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और इसीलिए मैं भी जो भी CBT2 के सीरियस एस्पायरेंट्स है सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रेलवे तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको उनकी मनमानी दिखनी चाहिए, कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये किस तरीके से मनमानी चल रहा है, या जो जिसने मतलब सेंटर को ही जीतेगा, जिसने RRB ने जिस सेंटर को अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने दिया, क्या पता वो सेंटर वाले नहीं किसी को सेंटर बेच दिया हो, ये तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है ये, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे बाहर में लोग, किसी को भी अलाउड नहीं किया, मतलब पॉसिबल ही नहीं था कुछ भी करना सेंटर पे। बाकी तो उसके कुछ लोग अगर घुस रहे तो ये तो सेटिंग का मामला है, बगल का सेटिंग का मामला है। ये तो आज एक तरह से इनकी चोरी पकड़ गई है। 3 से 4 जगह यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, बावजूद उसके अगर अंदर में ऐसा चल रहा है खेल तो फिर तो मजाक बना के रख दिया बड़ी वैकेंसी का, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट लोग हैं, एक तो आप इतने साल के बाद वैकेंसी निकाले हो, उसमें भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर को JEE में मर्ज कर दिया, उसके बाद आप फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। और हर बार आप नोटिस निकाल करके बोलते हो कि रेलवे जो है सो कि कभी कभी घुसखोरी का काम नहीं करता, आप लोग दलालों से बचे, और रेलवे हमेशा जो है सो किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को लेता, हमेशा फेयर एग्जाम कनेक्ट करवाता, ये तो आप फिर मजाक कर रहे हो, बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो। बिल्कुल को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और नितिन जी, ये जो मतलब कि जो डेस्कटॉप का जो फॉन्ट है वो फॉन्ट भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप तो कल एग्जाम देकर के आए हैं, जो चीजें जहाँ पे जैसे लिखी हुई RRB JEE CBT एग्जाम, फिर जहाँ पे जो आपको वो दिया हुआ है कि 1 नंबर सही 2 नंबर, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। देखिए, अगर अगर कोई इससे कुछ करना होता किसी को तो इतना किसी को याद नहीं रहता है कि आप आके हूबहू सेम ऑप्शन बना दे और सेम फ्रंट बना दे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सेम टू सेम फ्रंट बना दे और आपको याद हो हूबहू चीजें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो है नहीं, आप इतना बड़ा आप इतना ज्यादा चीजें याद भी नहीं रख सकते और एग्जैक्टली सेम चीज आप फोटोशॉप करके नहीं बना सकते। बिल्कुल, तो ये मतलब कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है, 28 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन है, 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का ही ये सारे क्वेश्चंस है। चलिए नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ करें या ना करें, कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक हमारी बात तो पहुंचनी ही चाहिए। तो मिलते हैं नितिन को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। ओके फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियरली आपके सामने रख दिया, फिर भी अभी भी किसी को इधर डाउट है कि ये क्वेश्चंस फेक है, इसको बनाया गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपका वेलकम है, आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप हेल्पफुल साबित हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। ओके, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।